आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने लगा हूं कि आप ट्रिक सोच के हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि इस चीज का तो हमें पता ही नहीं था, इस तरीके से तो इतने ज्यादा व्यूज बढ़ सकते हैं, हमारा आइडिया ही नहीं था। तो दोस्तों मैं बहुत शॉर्ट सी वीडियो में आपको बताऊंगा, आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब फिर कर देना चैनल। दोस्तों जब हम किसी की वीडियो देखते हैं, जब वो वीडियो खत्म हो जाती है ना, तो वीडियो खत्म होने के बाद एंड पे हमारे पास उसी चैनल की ही तीन चार और वीडियो आ जाती हैं। उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे ना साइडों पे वीडियो चार तीन चार और आ जाती हैं कि आप इनमें से कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लिक करें, बल्कि वो थंबनेल ऐसे बने होते हैं हमारा दिल कर ही पड़ता है यार इसमें से एक और वीडियो देख लें। दोस्तों वो चीज़ क्या होती है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम किसी के चैनल की एक वीडियो देखते हैं और जब उसकी वीडियो खत्म होती है तो उसके एंड पे और नए नए चैनल्स की वीडियो आ रही होती हैं। तो इससे आप बहुत ज़्यादा व्यूज़ बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाके भी बताता हूँ, यहाँ भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपने अपने गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपने जहाँ पे सेटिंग में जाके कॉन्टेंट में चले जाना है, जहाँ आपकी सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वहाँ पर जाके एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद साइड पर एंड स्क्रीन का बटन होगा, एंड स्क्रीन के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। एक मेन्यू खुलेगा, वो वहाँ कहेंगे आप दो वीडियो अपनी वीडियो खत्म होने के बाद एंड पे शो करवाना चाह रहे हैं, या एक वीडियो या एक सब्सक्राइबर शो करवाना चाह रहे हैं, या चार वीडियो शो करवाना चाह रहे हैं। वो डिफरेंट किस्म की ऑप्शन होगी, आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एंड पे दो वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद एक ऑप्शन आएगी कि यूट्यूब खुद अपनी मर्जी से आपकी अच्छी वीडियो रिकमेंड करें, या आप अपनी वीडियो अपनी मर्जी की उधर लगाना चाह रहे हैं। तो आप अगर अपनी मर्जी की वीडियो लगाना चाह रहे हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपकी सारी वीडियोज आ जाएगी। आप कोई भी दो जो वीडियो चाह रहे हैं कि आपकी वीडियो खत्म होने के बाद एंड पे शो, आप वो वहां पे क्लिक करके लगा सकते हैं। अदरवाइज YouTube आपकी जो भी टॉप वीडियोज होंगी ना, या अच्छी वीडियो या उसी वीडियो से रिलेटेड होंगी, वो दो वीडियो वहां पर दिखा देगा। तो इस तरह करके जैसे ही आपकी वीडियो कोई बंदा देख के खत्म कर रहा है, साथ ही एंड पे आपकी फिर तीन चार वीडियोज और आ गई, उसके थंबनेल आ गए, तो डेफिनेटली बहुत से लोग वहां पे भी क्लिक करेंगे और आपकी वीडियो देखेंगे। ऐसे आपके व्यूज डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बजाय इसके कि अगर आप ये ऑप्शन एंड स्क्रीन वाली ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जब आपकी वीडियो खत्म होगी, आगे कोई और नए चैनल्स की वीडियो आना शुरू हो जाएंगी, तो लोग आपका चैनल स्किप करके दूसरे चैनल पे चले जाएंगे। इस तरह आप वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ, अपनी वीडियो पे क्लिक करने के बाद इस तरह का ये बार ओपन हो गया। बार ओपन होने के बाद ये देखिए, ये थर्ड नंबर पे ऊपर मेरा थंबनेल आ रहा है, नीचे पब्लिक आ रहा है, सब टाइटल आ रहा, फिर एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन पे मैंने क्लिक कर दिया है। जैसे ही एंड स्क्रीन पे क्लिक करूंगा, ये एक स्क्रीन ओपन होगी। ये देखिए, इसमें कह रहा है इंपोर्ट फ्रॉम लेटेस्ट वीडियो, एक वीडियो एक सब्सक्राइब, या दो वीडियो। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं ये दो वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे वो पूछ रहे कौन सी दो वीडियो आपने लगानी है, बेस्ट ऑफ व्यूवर्स वाली लगानी है या चूज करनी है अपनी वीडियो में से। मैं चूज करता हूं अपनी वीडियो में से। तो ये देखिए, यहाँ पे फौरी तौर पे ये मेरी सारी वीडियोज आ गई। यहां से मैं अपनी मर्जी से जो चाहूं वीडियो लगा सकता हूं। एक मैं ये वीडियो लगा देता हूं, ये देखिए आ गई। अब दूसरी फिर वीडियो मैं यहां पर लगाऊंगा अपनी मर्जी की चूज करके। यहां पर फिर मैं जाता हूं, जाने के बाद अपनी मर्जी से एक और वीडियो चूज करता हूं और वो इसमें लगा देता हूं। ये देखिए, ये मैं वीडियो लगा देता हूं। दोस्तों अब ये मैंने दो वीडियो लगा दी है ना, अब जब कोई भी मेरी ये वाली वीडियो देखेगा, उसके एंड पे ये दोनों वीडियो मेरी और शो हो रही होंगी, तो यकीनन बहुत से लोग इसमें से एक वीडियो पे क्लिक करेंगे तो मेरे व्यूज बढ़ेंगे। इसको मैंने सेव कर दिया, सेव आपने लाजमी करना है, और इस तरीके से आपने एंड स्क्रीन पे अपनी पसंद की वीडियोज लगा दिया करनी है। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह।